हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी एकेडमी। टुडे वी विल स्टडी स्ट्रेस, पी एंड द परसेंटेज ऑफ। ठीक है, किसी नंबर को जो है दूसरे नंबर के सापेक्ष काम कर रहे हैं, क्या करना, कंपेयर में परसेंटेज में चेंज करना है, उसको बताना कि कितना परसेंटेज है। यहाँ पर जैसे दिया है पी इक्वल टू 12 दिया है और क्यू इक्वल टू 15 दिया है, तो इसको हम परसेंटेज में क्या चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 100 अपॉन क्यू। ठीक है, सिंपल सा पी इक्वल टू 12 इंटू 100 अपॉन 15। ठीक है, इसको 3 डिवाइड कर देंगे, 3 फोर जा ये आपका 3 5 जा हो गया, 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 20 या 25 जा 100 होता है, 20 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 80%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा किसमें चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया, यानी हमारा जो पी है क्यू का 80% है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, एक ऐसा ही। ठीक है, सपोज दैट एक्स इक्वल टू दिया है, एक्स इक्वल टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक्स प्लस पी एक्स परसेंटेज ऑफ क्यू, यानी कि आप यहां पर पी की जगह हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन जो आया था इसको चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस वाई एज ए परसेंटेज ऑफ एक्स। अब हम बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर को परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो जिसको देखाना हो सब पहले आ जाएगा वाई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, जिससे हमें कंपेयर करना है वो नंबर किसमें आया था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वाई कितनी है 24 इंटू 100 अपॉन 36। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहां पर कर लिया, क्लियर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 12 100, अब इसको क्या बन जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 अपॉन 3 परसेंटेज, और सॉल्व करेंगे हमारा 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 18 कैरियर 2 3 से 2 अपॉन 3 परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा जो वाई है एक्स का 66 कंपेयर 2 अपॉन 3 परसेंटेज है, परसेंट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम पहले नंबर को अगर कह रहा है तो पहले नंबर ऊपर हो जाएगा, बस दूसरे नंबर को कंपेयर करने के लिए तो पहले हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में जो है एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री का तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम सॉल्व करना है 15% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा तो परसेंटेज में चेंज होता है, अपॉन 100 में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब ऑफ किस में चेंज होता है, इनटू में, और 360 को 360 ही लिखेंगे। ठीक है, अब जीरो से जीरो कट गया, 25 जा 218 जा 5 बन जा 5 से इसको काट देंगे, 5 3 जा 18 जा हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो 15% ऑफ 360 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा लेते हैं क्वेश्चन हमारा, फिफ्टी फोर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 66
compute 2 upon 3 percentage of your solution है of 54 second, ठीक है? तो 66 का एक हमारे हो जाएगा 200 upon 3 percentage of, तो percentage में मैंने बताया कितनी चीज़ होता है, divide में आपका 100 आ जाएगा into 54, ठीक है? अब 0 से 0, 0 से 0 cancel out, इसको अब कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 2 जा 36 सेकेंड, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान है। परसेंटेज को डिवाइड में ले आना है, 100 अपॉन 100 कर देना है, और जो आप है उसको मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। गलती ना हो इसलिए आप मान कर सकते हो कि मैं नॉमिनेटर से नॉमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, काटने में हमेशा डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से काटा जाता है, ठीक है? डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से चाहे नीचे काट दीजिए चाहे ऊपर काट दीजिए, लेकिन नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कट नहीं किया जाता है, सिर्फ फॉर्म में नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है? समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, कई क्वेश्चन है आपके जो वन बाई वन लोग देखते जाते हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, राजीव मंथली इनकम इक्वल टू ₹40,000, ठीक है? राजीव कोई पर्सन है जिसकी मंथली इनकम क्या है आपकी 40,000 है, और रेंट में रह रहा है, उसका रूम का रेंट जो पर मंथ कितना ₹12,000 है, तो कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन रेंट, तो रेंट के वक्त कितना परसेंट उसका पूरी इनकम का जो रेंट में ₹12,000 खर्च कर रहा है 12,000, तो कितने परसेंटेज खर्च कर रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन रेंट इक्वल टू क्या जाएगा, रेंट इनटू 100 अपॉन इनकम, ठीक है? तो इस प्रकार से हम जो क्या करेंगे इनकम निकालेंगे, रेट हमारा रेंट कितना है, हमारा रेंट हमारा 1000 इंटू 100 अपॉन टोटल हमारा है 40,000, ठीक है? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, 4 3 जब कट कर देंगे हमारा आ गया 30%, बहुत ही आसान, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से क्या करना था, जो क्योंकि रेट को पूछ रहा है, रेट का परसेंट पूछ रहा है, रेट से ऊपर आ गया, इनको 100 कर देंगे परसेंट को चेंज करने के लिए, अपान इनकम हमारा जो है टोटल जितना वो पैसे क्या कर रहा है इनकम में खर्च कर रहा है, तो उसको हम कर देंगे। यहाँ पे चाहे तो परसेंटेज का साइन भी बना सकते हैं ताकि आपको गलतियां ना हो, तो क्या परसेंट आपका आंसर आ रहा है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके?